सो हेलो दोस्तों, आज बहुत तगड़ा नुकसान हो चुका है। बहुत ज़्यादा दुखी हो रहा हूँ मैं कि आज घर पर रखा हुआ फ्रीज वो जल चुका है। तो भाइयों बने रहिए वीडियो में लास्ट तक, काफ़ी आनंद आने वाला है। और भैयाओं सारी चीज़ दिखाऊंगा आपको, जो भी फ्रीज वगैरह पर जला हुआ है वो सारी चीज़ें दिखाऊंगा आपको। वैसे आपको ऐसा लगेगा कि बिल्कुल नहीं जला हुआ है, बट आपको दिखा दूंगा तो तुम भी ये बोलोगे कि हाँ जल चुका है भाई लोगों। तो फ्रिज है वो बिल्कुल ही जल चुका है, बिल्कुल डेथ हो चुका है वो। और उसकी जो ऊपर की बॉडी है वो जल चुकी है, और मेरे ख्याल से तो ऐसे लग रहा है कि अब वो बिल्कुल भी ठीक नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो पूरा ही जल गया है। उसके जो ऊपर का ढक्कन था वो भी अलग हो गया है, और प्लास्टिक को जो बर्फ़ बर्फ़ जमती थी वो भी ख़त्म हो चुका है, बिल्कुल जल चुका है, जल करके राख हो चुका है। तो बने रहिए वीडियो में लास्ट तक, काफ़ी आनंद आने वाला है। अब दिखाते तुमको फ्रीज, ठीक है। फ्रीज देखो, आपके सामने वो रखा हुआ है फ्रीज, बट आप भी यही सोचोगे कि अभी फ्रीज नहीं जला है, बिल्कुल ठीक है। देख सकते हो आप, फ्रीज की पूरी हालत दिखाता हूँ आपको, और ऐसा लग रहा है कि नहीं जला है, बट अभी इसको आप देखोगे तो भाई पूरा डेथ हो चुका है। अभी इसको पूरी तरीक़े से ढक दिया जाए, क्योंकि ना किसी को दिखे ना कि ये जल चुका है, बट अभी ये ऐसे लग रहा है कि ठीक है। देखो मस्त है ना, पूरा चालू है। और आप सोचोगे कि कहाँ से जला हुआ है, तो आपको मैं बता दूँगा, ये पूरा जल चुका है। देखो ये ब्लैक हो गया है जलने से, धुएँ से। और आप दिखाऊँ तो मैं पूरा कहाँ से जला हुआ है, ये देखो। अभी भी तुमको यही लगेगा कि बिल्कुल थोड़ा सा जला हुआ है। अभी इसको देखो, ये पूरा ढक्कन है वो मैंने वैसे ही रख दिया है, ये देखो निकल जाता है इसमें से, ये देखो अलग हो गया। सो अभी दिखाऊँ, ये देख सकते हो पूरा डेट हो चुका है भाई लोगों। इधर में ये देखो, इसका एक जो पुर्जा है वो इधर में टूट करके आ चुका है, यहाँ से इस जगह पे लगता है ये, इस जगह पे। तो पूरा डेड हो गया भाई, देखो पूरा जल चुका है, मतलब कि कुछ भी काम लायक नहीं रहा। ये देखो पूरा धुआं धुआं, और जिस जगह पे ये रखा हुआ था ये देखो पूरा भी पिलक गया है, और जिस जगह पे सामान रखा हुआ था वही सफ़ेद वाइट वाइट रह गया है। ये देखो इसमें जो खन वगैरह रखे हुए थे वही वाइट वाइट रह गया है, बाकी का पूरा ब्लैक हो चुका है। और भैया पूरा डेथ हो गया है, और अभी इसको रखते हैं साइड में, फिर उसके बाद मैं अभी दिखाऊंगा आपको कि कौन सी जगह पर रखा हुआ था, कौन सी जगह पर जला था ये। तो ये देखो इसमें अभी कुछ पुर्जे डले हुए हैं ये, और कुछ ये डले हैं इसमें, और ये भाई क्या है, ये इस बल्ब की वो है इसकी। भाई देखो जो बल्ब है ना ये वाला, इसकी जी ये ढकने वाली है, इसको इस तरीक़ा से लगती है ये। बट अब सो भाई लोगों, अभी आपको दिखाऊंगा कि ये फ्रीज कहाँ पर रखा हुआ था भाई, और चलते हैं इस तरफ, जो कि इस जगह पर रखा हुआ था, इस जगह पे, और यहाँ पर आग लग चुकी थी। बट ये देखो ऊपर पूरा ब्लैक ब्लैक हो चुका है, ये पूरा धुएं धुएं से हुआ है, ये पूरा ब्लैक धुएं से। और ये बताऊँ आप लोगों को कि आग कैसे लगी, तो भाई लोगों लाइट चली गई थी। लाइट जाने के बाद में फ्रिज के ऊपर में पर डे ही मोमबत्ती जलाया करते थे, बट अक्सर ही जो कुछ छोटे जो अभी सो रही थी बच्ची, उसी पे से अचानक लिख दूसरी जगह पर मोमबत्ती लग चुकी थी। पहले लोहे पर लगाते थे, तो लोहे से उठा करके वो थोड़ी प्लास्टिक पर लग चुकी थी, तो प्लास्टिक जल गई, फिर सारे में आग लग चुकी थी। नाइट के करीब 11 बज रहे थे, ठीक है ना भाइयों। तो मोमबत्ती से भाई अचानक ली नाइट के 11 बजे आग लग चुकी थी, तो सब लोग सो रहे थे भाई लोगों, बट जो बगल में पड़ोसी रहते हैं उनको मालूम चला, और इधर में तो सो ही रहे थे सब लोग, और बच्चों को बगल में रहते हैं उनको पता चला, फिर उन्होंने इसको आग को काबू में किया। भाई लोगों पूरे में आग लगने वाली थी, बट इसको काबू में कर लिया गया था। और भैया बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका है, तो बहुत ज़्यादा दिल से हार्ट ब्रेक हो रहा हूँ भाई लोगों को, बहुत ज़्यादा दुख है कि 14,000 रुपये का फ्रिज जल चुका है भाई लोगों का, वो सॉरी 14,000 का नहीं, 11,000 रुपये का। सो भाई टोटली हमें ला कर के घर पे 12,000 रुपये का पड़ा था, जो कि अभी बाज़ार से लेके आई थी, तो ऑटो वगैरह वाले ने ले लिए थे, तो टोटली 12,000 रुपये का नुकसान हो चुका है। और अभी कम से कम नॉर्मली अगली जो खड़के गई हैं ना, निकल के गई हैं,
ये मतलब कि जो अभी जो गर्मी का टाइम निकला था उन्हीं में लेकर के आए थे, बट ये जल चुका है तो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क हो चुका है। तो भाई लोगों मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलना, ठीक है ना। बाय, लव यू।